नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और लाइव आज तक में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया के पास, यहाँ पे एक सरकार हॉस्पिटल है, उसी के पास बीजेपी से वार्ड नंबर 40 के भावी प्रत्याशी रविंद्र निषाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी ये नया वार्ड बना है वार्ड नंबर 40, इसके पहले यहाँ पे पौधानी होती थी। जी हाँ, रविंद्र निषाद जी से बात करेंगे और जानकारी लेंगे उनसे कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने वार्ड की जनता की क्या सेवा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी मैं सभी ग्रामवासी से निवेदन करता हूँ, दशहरा दीपावली और छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, आप वार्ड 40 से बीजेपी की भावी प्रत्याशी हैं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 40 की जो जनता है उसके लिए आप जीतने के बाद क्या क्या कार्य करना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 40 से सभी ग्रामवासियों के लिए नाली के लिए, जी जी, रोड के लिए जी, पूरा काम करने के लिए सोच रहा हूँ। जी जी, यहाँ की मूल वार्ड नंबर 40 की जो मूलभूत समस्या है ये क्या है? मूल समस्या ये गांव के लिए नाली बहुत जरूरी है। नाली बहुत जरूरी है। अभी शहरों में भी देखा गया है, अभी कल के डेट में परसों रात में बहुत तेज बारिश हुई थी रात में, और कई जगह शहरों में भी कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया था, नालियां चौक हो गई थी। तो नगर निगम प्रशासन से आप किस हिसाब से कार्य करवाएंगे कि आपके वहाँ की नालियाँ चुस्त और दुरुस्त हो सके? मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ, हमको अपना अमूल्य वोट दे, अमूल्य वोट दे, हम नगर निगम में जाके पूरा रोड नाली का पूरा काम करवाने का कोशिश करूंगा। जी जी, और अपनी और क्या क्या काम करना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए? और जनता के लिए पूरा रोड लाइन घर, जी जी, आवास काम करेंगे। जी जी, एक सवाल आपसे और है कि जिस उम्र में लोग नौकरी की तलाश करते हैं पढ़ने के बाद, और अपने घर परिवार में लोग सोचते हैं कि किसी तरह आगे बढ़ाया जाए, उस समय आप राजनीति में उतर चुके हैं, आखिर मकसद क्या है आपका राजनीति में उतरने का? मैं राजनीति में आया हूँ देश की रक्षा करने के लिए, ग्रामवासियों का रक्षा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ। यानी आपका मुख्य मकसद है समाज सेवा? समाज सेवा करने के लिए। जी, तो हमारे साथ रविंद्र निषाद जी के एक और चाहने वाले जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं रविंद्र निषाद जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जी जी कि हम जो चाहते हैं उससे ज्यादा हमारे माननीय योगी जी जो ये गोरखपुर में है जी जी 5 साल से दिख रहा है। जी जी जी, अगर मैं नहीं कर... ये योगी जी की 2.0 की सरकार है इस समय जो बनी हुई है, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, उसमें जो कमी बेसी रह गई है क्योंकि ये वार्ड नंबर 40 अभी नया बना है, इसके पहले ये वार्ड नहीं, ये ग्राम सभा हुआ करता था पूरा, जब अलग अलग ग्राम सभाओं को जोड़ के ये वार्ड नंबर 40 बनाया गया है, तो ग्राम सभाओं में वो काम करता ही नहीं हो पाएगा जो नगर निगम में हुआ है। तो आप रविंद्र निषाद जी के माध्यम से क्या चाहेंगे कि क्या कार्य हो? अब जैसे हमें तो जैसे हाँ हम यहाँ पे तो जैसे योगी जी हमको कुछ ऐसा मौका ही नहीं देंगे, हमसे पहले ही वो जैसे हम जो चाहेंगे उससे पहले वो करके दिखाएंगे। जैसे अभी हम लोग चुनाव से पहले रोड की तुलना सुंदर रोड की तरफ दिखाइए, हमारे यहाँ रोड भी जैसे पूरा पर्याप्त बन रहा है, देखिए मतलब अभी हमारी जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के पहले ही जो भी हमारे सुन रहे हैं, अभी चुनाव होगा, चुनाव में हम लोग जीतेंगे और 100% जीत के आएंगे, ये तो 100% है, और उससे पहले भी जो भी को हमें पूर्व आता है कि जैसे जो हम सोच रहे हैं उससे पहले वो बजट आ जाएगा। जी जी, तो हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए थे रविंद्र निषाद जी के, जो बीजेपी से भावी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 40 से, और किसका किसका सपोर्ट रविंद्र जी को मिल रहा है? और सपोर्ट में जैसे हमारे यहाँ जितने भी जैसे अपने महेंद्रपाल सिंह विधायक हैं, रवि किशन है, जैसे जो भी है, जो भी जी भी है हमारे आदमी, जो भी जी,
उनका भी सपोर्ट पूरी तरह से है हम लोग का। और वार्ड नंबर 40 की आम जनता जैदुलरिया हो चाहे मिर्जापुर हो मुंगेरिया हो मतलब जो भी है हर जगह हम लोग घूम के देखे। हम लोग का बच्चा तो बहुत बढ़िया है जी, जी। मतलब एकदम आप अपनी जीत निश्चित मानते हैं? 100% टिकट भी हमारा 100% है, जीत भी 100% है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे रविंद्र निषाद जी के सहयोगी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और लाइव आज तक। मैं संवाददाता सत्यन नागवंशी कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ।